अकोला रेलवे पुलिस को सूचना मिली थी कि झारखंड से कुछ अपराधी अकोला शहर और रेलवे स्टेशन क्षेत्र में चल रहे गणेशोत्सव के लिए नागरिकों की खरीदारी की भीड़ के बीच चोरी करने के इरादे से घूम रहे हैं। ऐसी सूचना के आधार पर जीआरपी के दल ने रेलवे स्टेशन क्षेत्र में आपराधिक निगरानी गश्त कर रहे थे, तभी एक संदिग्ध आरोपी कनाई कुमार उमेश रविदास उम्र 24 वर्ष रेलवे स्टेशन पर नजर आया। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह झारखंड का रहने वाला है और चोरी करने के मकसद से अपने साथियों के साथ अकोला शहर में आया हुआ है। गहन तफ्तीश के बाद जीआरपी ने गब्बन दोषियों मोहर चौधरी उम्र 30 वर्ष और एक 15 साल के नाबालिग लड़की को हिरासत में लिया है। उनसे हुई पड़ताल के दौरान खुलासा हुआ कि ये तीनों गणेश उत्सव के दौरान नागरिकों की भीड़ का फायदा उठाकर अकोला रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों से चोरी करने के इरादे से पिछले 6 दिनों से संत कबीर नगर आबातापा रोड अकोला में एक किराए में कमरे में रह रही थी। तीनों ने बताया कि उन्होंने अकोला रेलवे स्टेशन के अलावा बार्शी टाकली एवं अमरावती जिले से भी महंगे मोबाइल फोन चोरी किए थे, जिन्हें जीआरपी ने जब्त किया है। इन 19 मोबाइल फोन की कुल कीमत 7,35,000 रुपए बताई गई है। ये कार्रवाई रेलवे पुलिस के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अक्षय शिंदे और विभागीय पुलिस अधिकारी संतोष मार्की के मार्गदर्शन में अकोला जीआरपी थाना की एपीआई अर्चना गार्वे के नेतृत्व में पंकज ढोके, सतीश चौहान, संतोष वड़केरे, सुशील सांगे, विजय रेवेकर, इरफान पठान, कपिल गवई, विजय शेगावकर, तुषार गोंगे ने की है। सध्या चालू असलेल्या गणपती उत्सवादरम्यान नागरिकांची खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असते, अशा ठिकाणी चोरी करण्यासाठी झारखंड येथील काही गुन्हेगार आले असल्याची रेल्वे पोलिसांना माहिती मिळाली होती। त्या माहितीच्या आधारे रेल्वे पेट्रोलिंग रेल्वे स्टेशनवर पेट्रोलिंग करत असताना आमच्या डीबी पथकाला एक संशयित झारखंडचा आरोपी मिळून आला। त्याच्याकडे आधी चौकशी केली असता तो स्वतः, त्याचा एक साथीदार आणि एक अल्पवयीन मुलगा अशा तिघांनी मिळून गेले 5-6 दिवसापासून अकोला रेल्वे स्टेशन, अकोला शहरामध्ये आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रवासी लोकांचे आणि इतर नागरिकांचे मोबाईल चोरी केले असल्याची माहिती मिळाली। त्या आधारे त्या तीन आरोपींना ताब्यात घेण्यात आलेले असून त्यांच्याकडून एकूण 19 महागडे मोबाईल जप्त करण्यात आलेले आहे। त्याची एकूण किंमत 7,35,000 एवढी आहे। आमच्याकडील एक गुन्हा त्यामध्ये उघडकीस आलेला आहे आणि बाकीच्या मोबाईलबाबतचा तपास चालू आहे। रेल्वे पोलिसांकडून नागरिकांना हेच आवाहन आहे की त्यांनी गर्दीमध्ये आपल्या मौल्यवान वस्तू सांभाळून ठेवाव्यात। कोणी संशयित व्यक्ती मिळून आला तर त्याबाबत पोलिसांशी तत्काळ संपर्क करावा। एनबीसी न्यूज के लिए अकोला से असगर खान की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है। देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।